से सत्ता की बात जो रही, कांग्रेस विधानसभा में सत्ता में आई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणाओं के जरिए प्रदेश के आम नागरिकों, लेकिन स्थानीय स्तर के कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधियों ने इस आयोजन से दूरी बनाकर नागरिकों को महती योजनाओं की जानकारी से अनभिज्ञ रख सरकार की मंशा को पूरा करने में अधूरा छोड़ दिया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, जिसकी व्यवस्था नगर पालिका में की गई थी। लेकिन कांग्रेस की परिषद के पार्षद एवं अध्यक्ष सहित अन्य पार्षदों ने इस आयोजन से दूरी बनाई रखी, जिसकी नागरिक एवं अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मात्र एक भाजपा पार्षद राधेश्याम देसाई एवं पूर्व पार्षद गौतम विद्यार्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री डॉक्टर मधु सक्सेना, स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र गुप्ता सहित नगर पालिका के अलग अलग शाखाओं के कर्मचारी मौजूद थे। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ गिने चुने नागरिकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाषण सुना। आयोजन अपने समय पर तय अनुसार 11 बजे शुरू होकर 12:15 पर समाप्त होना था और उसी समय यह हुआ, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष मंजूषा शर्मा एवं उनकी परिषद के एक भी पार्षद ने नहीं आकर इस आयोजन से दूरी बनाकर रखी। वहीं नागरिकों ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं होंगे तो आम नागरिक, मतदाता एवं महिलाएं कैसे पहुंचकर सरकार की मंशा का लाभ ले सकेंगे। हम ये नारों की राजनीति में विश्वास नहीं करते, ये पोस्टर और बैनर और होर्डिंग की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमने तो जनता के सामने अपना वचन पत्र रखा था।